हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फोर क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हैपनिंग एंड फिनिश्ड एक्शन। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें पास्ट में जो चीज़ जो समय बीत चुका है उसके बारे उसके में कोई इवेंट हुआ हो उसके बारे में बात करनी हो, कोई हैपनिंग हुई हो, या जो काम खत्म हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बात करनी होती है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग रूल इज़ फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम ये जो है रूल्स फॉलो करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंटरोगेटिव है तो हम डिड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इंटरोगेटिव वर्ड है प्लस जो है डिड लगेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है जो कुछ रूल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हो द किंग लव्ड हर डॉटर वेरी मच। तो ये पास्ट स्टोरी है तो इसमें हमने लव्ड लगाया ना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद सेकंड सेंटेंस द लायन किल्ड द डियर, पास्ट हैपनिंग है तो हमने ईडी का यूज़ किया यहाँ पे। आई डिड नॉट सेलिब्रेट, अब देखिए डिड के साथ नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है, पास्ट इवेंट है ये। डिड ही इन्वाइट यू, तो इसमें डिड आया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, फिनिश्ड एक्शन है तो हमने पास्ट का यूज़ किया। वाई डिड, फिर से हमने पास्ट का यूज़ किया क्योंकि इसमें फिनिश्ड एक्शन है। वाई डिड यू वॉच दिस मूवी लास्ट मंथ, क्या क्यों तुमने ये मूवी लास्ट मंथ क्यों देखी थी, ठीक है। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर जो है एक स्टोरी कंप्लीट करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको बच्चों कंप्लीट करनी है। सो देखिए, ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज अ मर्चेंट, बहुत समय पहले की बात है, कौन था, एक मर्चेंट था, व्यापारी था। वन डे ही वेंट टू अ फेयर, ही वेंट, गो की जगह क्या आ जाएगा, वेंट, एक बार वह कहाँ गया था, फेयर में गया था, मेले में गया था। ही सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड, ही सोल्ड ऑल हिज गुड्स देयर, उसने अपने सारा सामान वहाँ बेचा। एंड अर्नड, ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसने वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, जब वह वापस आ रहा था, इट स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म आ गई, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी। ही हैड, ठीक है, पास्ट फॉर्म आएगी, ही हैड टू क्रॉस अ जंगल टू रीच हिज होम, उसको अपने घर पहुँचने के लिए एक जंगल को पार करना था। ही बिगेन टू कर्स गॉड फॉर रेन, उसने जो है उसने क्या किया, ही बिगेन टू कर्स गॉड फॉर रेन, अब बारिश के लिए वो जो है भगवान को दोषी मानने लगा। सडनली सम रॉबर्स केम ऑन हिज वे, अचानक से उसके रास्ते में कौन आ गए, रॉबर्स आ गए, लुटेरे आ गए, केम आएगा। एंड लूटेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लूटेड हिज ऑल मनी, और सारा पैसा जो है उन्होंने लूट लिया। दे वॉन्टेड टू किल हिम, अब वो उसको मारना चाहते थे, बट ड्यू टू रेन, लेकिन बारिश के कारण देयर गन वॉज वेट, उनकी गन जो है वो गीली हो गई थी। पहले तो वो गॉड को जो है एक तरह से दोषी मान रहा था ना कि बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश के कारण ही वो बच भी गया। एंड फेल टू शूट, और वो उसको शूट नहीं कर पाए, मार नहीं पाए। द रॉबर्स लेफ्ट हिम अलाइव, जो लुटेरे थे उन्होंने क्या किया, उसको जिंदा छोड़ दिया, लेफ्ट आया इसमें। द मर्चेंट रियलाइज्ड, मर्चेंट ने क्या किया, रियलाइज्ड किया दैट हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को। एंड थैंक्ड गॉड फॉर रेन, और गॉड को जो है रेन के लिए धन्यवाद दिया, जिससे के कारण उसकी लाइफ जो है वो बच गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको सेकंड टास्क दिया गया है, राइट फाइव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस यूजिंग द वर्ब गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए वर्ब दी गई है, तो इन वर्ब्स का यूज़ करके आपको यहाँ पर ये सेंटेंस फॉर्म करने हैं जो आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो देखिए प्ले दिया गया है, पवन प्लेड फुटबॉल, ठीक है, पवन फुटबॉल खेलता था। उसके बाद डांस दिया गया है, ही डांस्ड वेल इन द शो, उसने शो में बहुत अच्छा डांस किया था। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ईट के साथ हमने बनाया, रीना डिड नॉट ईट वेजिटेबल्स, रीना वेजिटेबल्स नहीं खाती थी, डिड नॉट ईट सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है इंटरोगेटिव बनाना है हमें सिंग के साथ, डिड श्याम सिंग अ सॉन्ग, क्या श्याम जो है वो एक सॉन्ग गाता था,
उसके बाद वांट के साथ इंटरोगेटिव बनाया, डिड दे वांट टू गो, क्या वे जाना चाहते थे। तो इस तरह से आप जो है ये सारे सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिख देंगे। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।